मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी स्लोगन के साथ भारत सरकार ने और मोदी साहब ने एक नया ऐप बनाया है और उसको भारत की जनता के लिए डाउनलोड करने के लिए आह्वान भी किया है और वो ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है और उसने पूरी जोर शोर से भारत में भी दस्तक दे दी है, उससे लड़ने के लिए एक नई ऐप हर देश बना रहा है। भारत में भी कई राज्यों ने अलग अलग तरह के ऐप बनाए हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने ओवरऑल इंडिया पर एक नया ऐप लागू किया है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने और इससे जानकारी पाने और हमें जितना हो सके साक्षर इस बीमारी से करने में बहुत ही बड़ा सहायक होने वाला है। तो दोस्तों, इसी ऐप के बारे में कैसे इंस्टॉल करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा और ये ऐप हमें किस तरीके से सुरक्षित कर पाएगा, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी तरीके से जान सकें, कहीं भी कोई गलती या मिस्टेक आपसे ना हो। और दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज में बना के लाता रहता हूँ भरी पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो किस पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं .goi दोस्तों, यही है वो रेफरेंस या फिर नंबर आप कह सकते हैं जिसके तहत सरकार अपने देश के वासियों को, बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रही है ताकि जनता डायरेक्ट ये ऐप डाउनलोड कर सके उसके प्लेटफॉर्म से जो कि ऐप स्टोर और फिर गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और दोस्तों, यही वो ऐप होगा जिससे कि आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सारी जानकारियाँ जुटा सकेंगे और आपके बारे में सारी जानकारी सरकार को भी मिल सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा आपकी पसंद का। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसा एक इंटरफेस सामने आएगा जिसमें कि लिखा होगा कुछ इस प्रकार से कि हर एक भारतीय के पास ये पावर है कि आप कोरोना वायरस की महामारी को भारत में फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद लिखा होगा कि क्या आप इन्फॉर्म होना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी ऐसे लोगों के साथ कभी संपर्क में आए हों जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव हों उनसे। आरोग्य सेतु ट्रैक्स थ्रू द ब्लूटूथ और लोकेशन, ये बता रहा है कि किस तरीके से आपको ये ट्रैक करेगा, आपको आपके इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा अगर आप इंस्टॉल करेंगे ऐप। तो उसके बाद ब्लूटूथ, लोकेशन, उसके बाद लोकेशन की शेयरिंग, ये आपसे हमेशा लेता रहेगा ताकि आपको ये इन्फॉर्म कर सके कि आप कहाँ पर हैं और आपके एरिया में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। और उसी समय जैसे कि आप अगर गलती से भी किसी ऐसे COVID-19 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग के पास आते हैं तो ये आपको अलर्ट करेगा। साथ ही ये आपको इस ऐप के तहत आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाएगा कि आप अपने आप को खुद कैसे सेल्फ आइसोलेट यानी कि खुद क्वारंटाइन कर सकते हैं घर में या आप रह सकते हैं। आपको सारी स्टेप्स बताएगा, प्रोसेस बताएगा, साथ ही आपको इन केस कोई इसके लक्षण आपको दिखते हैं तो उस केस में आपको किस प्रकार से बिहेव करना है, आपको क्या करना है, ये सारी भी आपको सहायता इस ऐप के तहत मिलेगा। उसके बाद बताएगा एक थर्ड स्टेप में कि विथ आरोग्य सेतु यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हेल्प अवर कंट्री टू इन द एफर्ट टू फाइट द अगेंस्ट कोरोना वायरस। उसके बाद दोस्तों जैसा देख सकते हैं आपसे एक एग्रीमेंट एक तरीके से लिया जाएगा, आपसे सहमति आपकी ली जाएगी कि आपकी डिवाइस की लोकेशन, ब्लूटूथ और डाटा शेयरिंग चुकी होने वाला है इस ऐप के तहत। फिर आप जैसे ही इसे अलाउ करेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद आपसे ये आपका नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर जो कि आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद इसको जैसे ही आप नंबर फिल करेंगे, इस नंबर पर आपके जो नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा और फिर उस OTP को इसमें ऑटो फिल हो जाता है। अगर नहीं भी हो तो आप इसमें मैसेज के तहत जो भी OTP है उसमें आप फिल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे उसके बाद ये आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अनदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ये आरोग्य सेतु नामक ऐप आपका लेना चाहेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि आप जिस एरिया में हैं आप सेफ हैं कि नहीं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डेटा जैसे ही अपना नंबर मोबाइल डाला उसमें बाद इसने ट्रेस किया, उसने मुझे बताया कि मैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लो रिस्क में हूँ। और ये जो असेसमेंट है ये ऐप मोबाइल नंबर के तहत GPS के तहत कई सारे जो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको डायग्नोस करता है, उसके बेसिस पर ही आपको बताता है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इस ऐप को आप रेगुलरली थोड़े थोड़े इंटरवल पर चेक करते रहें ताकि आपको इससे जुड़ी जानकारियां भी मिलती रहें। जैसे ही कोई आपके एरिया में ऐसा कोई केस आता है वो आपको इस ऐप के तहत अलर्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि COVID-19 हेल्थ सेंटर्स इसमें भी बताया जा रहा है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बताए जा रहे हैं,
उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे उसके आपको दिखेगा कि जो ट्वीट्स हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो इंडिया की है उसके तहत जो भी जागरूक करने के लिए ट्विटर पे जो ट्वीट्स दिए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे इस डायरेक्ट लिंक के तहत आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ट्विटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नीचे टर्म्स ऑफ यूज़ हैं, उसके बाद आरोग्य सेतु के वर्जन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल है जो कि अशोक चक्र नहीं अशोक स्तंभ का होता है। उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ, आपको देख सकते हैं जैसे आप कॉल सेंटर्स यानी कि हेल्थ सेंटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया के सारे राज्यों यानी कि स्टेट वाइज जितने भी भारत के स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के क्या हेल्प जो नंबर है वो आपको दिख जाएंगे, जिसके तहत की जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं आप वो पा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इमरजेंसी नज़र आए तो यहाँ से नंबर तुरंत लेके आप तुरंत कॉल करके इमीडिएटली अपनी प्रशासनिक सेवा और एम्बुलेंस जो भी आपके हेल्थ केयर सर्विसेज हैं आप उसको पा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली लद्दाख यूपी सारे जगह के नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसमें आप जाएंगे तो आपको मैसेज के थ्रू एक चैट वर्जन आएगा सामने जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि आप कौन हैं क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जेंडर पूछेगा, फिर आपका एज पूछेगा, मान लीजिए सपोज़ मैंने 31 साल डाला है इसमें। उसके बाद पूछेगा आपको क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कफ फीवर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हुआ, कफ हो बुखार हो, आप बोलेंगे अगर नहीं तो आपको बोलेगा। फिर अनदर क्वेश्चन होगा आप इफ़ यू एवर हैड विद द फॉलोइंग डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए। अगर आप बोलेंगे नन ऑफ द अबव जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया तो उसके बाद फिर अनदर नेक्स्ट स्टेप होगा, वो पूछेगा आप कभी क्या पिछले 14 दिन में इंटरनेशनल कोई ट्रैवल किया है, मैं बोलूँगा नो, तो फिर पूछेगा उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, मीन्स आप पूछेगा कि आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड विथ, मतलब आप किसी कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के पास गए हैं या फिर आप कोई हेल्थ वर्कर हैं तो आप बताएं, अगर नहीं है तो नन ऑफ द अबव कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पूछेगा कि अब लास्ट फाइनल ये बता देगा आपको कि योर इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो यानी कि आप किसी भी इस तरीके की किसी भी लिमिट्स से बाहर हैं, आपको कोई इन्फेक्शन की संभावना फ़िलहाल नहीं है अगर आप खुद से नहीं होते हैं तो। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत ही फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है आम जनता के लिए, ताकि आप इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स मिलने वाले हैं, आप अलर्ट होंगे, आपको नोटिफिकेशंस आएगा अगर आप किसी भी संक्रमित लोगों के पास जाते हैं तो। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी साहब ने भी बोला है कि आप इस ऐप को शेयर करें, तो आप इस तरीके से आप इस पर शेयर पर क्लिक करके आपके साथ सामने ये सारे ऑप्शंस आएंगे, इसको आप चूज़ करके अपने जो भी लव्ड वंस हैं अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही खास और चीज़ बता दूं आपको कि इस ऐप पर जो भी डेटा जो फिल करेंगे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐप टोटली सेफ है। इस पर जो डेटा आप जाता है वो टोटली इनक्रिप्टेड होता है यानी कि आपको डेटा लॉस या फिर डेटा शेयरिंग की कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मन से ऐसा कोई वहम भरने की रखने की ज़रूरत नहीं है। एक और ख़ास चीज़ दोस्तों कि ये ऐप बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है ताकि आप अलर्ट हमेशा रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कितना सहयोग आपको मिला मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।